पूरा आ रहा ना फ्रेम में। चलो जी, अरे बस बहुत हो गई आंखों की तरावट, अब जरा मेन बंदे पे फोकस करो। देखा पूरा आ रहा ना। टीटीसी की शुरुआत मैंने 2015 के फर्स्ट क्वार्टर में की थी, मतलब था वो उस रात का मेरा थर्ड क्वार्टर, लेकिन पहले वाले दो ना मैंने 12 बजे से पहले लगा लिए थे, सो टेक्निकली इट वाज फर्स्ट फॉर द न्यू ईयर। पता शुरू में लोग हंसते थे, कहते थे इंटरनेट पे गालियां देना कोई करियर हुआ, कोई फंडिंग नहीं देगा, चलेगा नहीं, क्या क्या बोल के डरा देते थे। लेकिन माता रानी की कृपा से ऑफिस में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, क्लाइंट को हमें सामने से मना करना पड़ता है, पीक आवर में मेरे पास स्टाफ बिठाने के लिए ऑफिस में जगह कम पड़ जाती है। ए अपने बोर्ड पे तो वंडरलेस वंडरलेस कमेंट करता है, किसी और के फॉरेन टूर पे तेरे को प्रॉब्लम होता है। ए भाई के बारे में बोल, अभी मुंह तोड़ दूंगी, भाई के बारे में कुछ नहीं बोलने का। नो डालने कंड में साले, नो डालने साले, जौनसों की बात करता है, जौनसों मरेगा तुम्हारा, तू कोरे तेरे को हमारे सोल्जर्स का क्या, साले सोल्जर्स का क्या कांड। देख रहे हैं आप, इतनी एक्सपर्टीज, इतना कॉन्विक्शन एक दिन में नहीं आता, काफी मेहनत लगी है। सोशल इक्वलिटी डिमांड करने वाला कौन सर? पासवर्ड डोंट रिमेंबर व्हाट लेफ्ट रॉन्ग नेक्स्ट, चलो पीछे जल्दी आओ आगे। सोशल इक्वलिटी डिमांड करने वाला कौन? सतीश मेहंदी। व्हाट? नो रॉन्ग नेक्स्ट, चलो जल्दी आओ। मर्दों का हेटर कौन सर? फेमिनाजी। वेरी गुड, चलो अंदर जल्दी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सोशल जस्टिस डिमांड करने वाला कौन सर? लिपटार्ट लिबरुतिया। अरे बस बस, चलो अंदर, चल जल्दी 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 बताओ, सोशल इक्वलिटी डिमांड करने वाला कौन? गांडू। देखिए टैलेंट बहुत है इंडिया में, हिंदुस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है, आप कहीं चले जाओ, मेट्रो में, चाय की दुकान पे, ढाबे पे, 6-10 में से 6 लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मेरा एक छोटा सा विजन था और वो यही था कि मुझे इस फ्रस्ट्रेशन को टैप करना है, जहां दिख जाए टैप करना है, लाइक आई डिड। इससे पहले मैं ना कस्टमर सर्विस में काम करती थी, पर कुछ नहीं होता था, हेलो सर, जी सर, ओके सर, बस यही चलता रहता था। पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना यार, इतना फन है ना यहाँ पे, इतना मजा है, किसी को कैसे भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यार बहनचोद, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हर कमेंट से प्रॉब्लम होती है, मेरे कमेंट पे रिपोर्ट अब्यूज कर देते हैं। यार पहले कोई उन्हें बताए, मेरे कमेंट पे रिपोर्ट करने से मेरी कौन सी अब्यूज बंद हो जाएगी। YouTube, Facebook, Twitter, हर जगह ना आर्ग्यूमेंट्स है। आई नो आर्ग्यूमेंट करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड एवरी आर्ग्यूमेंट नीड्स अ कमबैक एंड वी प्रोवाइड देम। लेकिन ये बताओ आर्ग्यूमेंट जीतता कौन है? सोचो कौन, जो लॉजिकल आंसर देता है? बोरिंग। आर्ग्यूमेंट जीतता वही है जो पहले ब्लॉक हो जाए। मतलब आपको ना गालियों एक्विजिशंस का ऐसा एक रायता तैयार करके सामने वाले की स्क्रीन पे चिपका देना है कि वो उसको समेट ना पाए, वो उसको साफ ही ना कर पाए, वो परेशान हो जाए कि मैं आज ऑनलाइन आया क्यों, फिर देखो मुझे। अच्छा लगता है जब ये फेमिनिस्ट टाइप ग्रुप से आपको निकाल देते हैं तो एक मतलब अजीब सी खुशी हो जाती है बदन में, पर कभी कभी तो आप मानोगे नहीं, मतलब पिछले महीने की बात है, मेरे एक कमेंट पे ना आगे लोगों के 300 कमेंट आ गए, बताओ। और बहुत मतलब होता है, लोग कई कई तो ऐसे बरा जाते हैं ना, लाइक ओ माय गॉड सो रेसिस्ट, ओ माय गॉड सो सेक्सिस्ट, इग्नोरेंट। बोलता हूँ क्या भाई, इतना थोड़ी है, मतलब तो काफ़ी प्यार मिला है। और ऐसे नहीं, मतलब मुझे 6 बार ये ट्रोल ऑफ द मंथ का अपना अवार्ड मिला है मेरे को,
खुशी होती है, पर एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को तब हुई थी जब बरखा दत्त ने ना मेरे को पर्सनली मतलब टैग करके ट्विटर पे ब्लॉक करा था। वैसे मैं ज़्यादा खर्चा करता नहीं, पर उस दिन मैंने ना मतलब सबको क्रीम रोल मैंने ही खिलाए थे ऑफिस में। इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स, बहुत दिमाग चाहिए होता है, बहुत क्रिएटिविटी लगती है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपका लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग, ये नॉलेज वगैरह वगैरह, ठीक। अब इस बॉक्स को बंद करके आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मंडेज, लेट्स पिक अप टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीक। शिवाजी स्टैचू, शिवाजी स्टैचू बनने वाला है। दोज हु आर अगेंस्ट द मोशन, दोज हु आर फॉर द मोशन, दोनों बताइए। आई एम जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स वी आर फॉर द मोशन। एनी आइडियाज सर? स्टैचू के नीचे हॉर्स है, हॉर्स इज एन एनिमल, सो एनिमल राइट्स। वेरी गुड, आप बताइए। सर मेरे हिसाब से स्टैचू के पैरों में वो वाटर प्यूरीफायर है, तो उससे क्या होगा कि सारा सी का वाटर क्लीन हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट सर, एक्चुअली स्टैचू की स्वॉर्ड साउथ फेसिंग है, साउथ में कौन रहता है? रजनीकांत। रजनीकांत सबसे पावरफुल, अब रजनीकांत की पावर जब स्वॉर्ड की मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी तो उससे जो ऊर्जा बनेगी उससे पूरे भारतवर्ष में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और सबके अकाउंट में 15-15 लाख जाने की पूरी संभावना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, यही अप्रोच चाहिए। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कन्फ्यूज देम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। पर सर आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा ही खर्चा आ जाएगा? मेरा मतलब है कि किसान। कट करिए जरा। किसान, किसान, अबे कृषि मंत्रालय से आया है तू, धंधा बंद करवाएगा मेरा है? तेरे विचारों की शुद्धिकरण के लिए दफ्तर खोला है मैंने, है? स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये सफाई मिशन है, तो भर जा, ये ले साले, तेरा ब्रेन वॉश करूंगा। कहेगा तुम्हारा ऐसी बातें? एनीवन एल्स विद मोर लॉजिकल आइडियाज? वेरी गुड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, फैक्ट्स का इशू ना हमारे हेटर्स अक्सर उठाते हैं, बट हेटर्स दोनों हेट ओके, और वैसे भी फैक्ट्स कलेक्ट करना हमारा काम थोड़ी है। यहाँ पे कोट करना चाहूँगा अमेरिका के एक मशहूर फिलोसोफर श्री श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को, उन्होंने कहा था फैक्ट्स आर सब्जेक्टिव। अरे भैया फैक्ट्स कलेक्ट करना हमारा काम थोड़ी है, और दिल की बात से बड़ा कोई फैक्ट हुआ है आज तक? हमारे लिए हर इंफॉर्मेशन का सोर्स बराबर है, सब कुछ इक्वल है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर के अंदर का पैम्फलेट क्यों ना हो। हम तो व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड हुए मैसेज को भी बहुत सीरियसली लेते हैं, काम है हमारा। फैक्ट वही जो ट्रोल मन भाए। उंगली ठीक थी? मतलब यूनेस्को, यूनिसेफ, HIV, WHOM, इन सब ने हमें नंबर वन टैग दिया, तो तुम लोग क्यों घर पे बैठे बैठे क्रिटिसाइज करते रहते हो? मतलब लोगों में कितनी इग्नोरेंस होती है ना, मतलब व्हाई डू यू टॉक नेगेटिव यार? ऑनेस्टली 2016 वाज ग्रेट, स्पेशली लास्ट के दो महीने नवंबर दिसंबर, दे वर ग्रैंड। इतने सारे ओपिनियंस को हमने गालियां निकाली, इतने सारे लोगों को हमने एक्यूज किया, इतना सारा काम था, बट वी पुल्ड इट ऑफ। अब हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है नाइट शिफ्ट के लिए, और ऑफिस में जगह कम पड़ रही थी तो बड़ा ऑफिस देखने जा रहा हूँ। आई एम श्योर कि इस वीडियो के नीचे भी मुझे मेरे बहुत सारे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, सिंपल। और अगर ये सब भी नहीं करना तो कमेंट कीजिए, गालियाँ निकालिए, हेटफुल कमेंट्स लिखिए, अपने मन की सारी भड़ास निकालिए इस वीडियो के नीचे, क्योंकि टैलेंट है अगर आप में, टैप हो जाएगा, छुप नहीं सकता। खैर रिपोर्ट कार्ड देखिए, बहुत मेहनत करते हैं हम सब, गेट इम्प्रेस्ड। प्रॉपर्टी डीलर आ गया। We'll be right back.
कौन शोर मचा रहा है? पीछे पकड़ के खड़ा हो जा कागज। इससे क्या मेरे कमेंट की यार मतलब एच आई वी सॉरी कितनी देन व्हाई यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दैट।